हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप में से किस किस को शाम होते ही कुछ चटपटा खाने का मन होता है, और अगर फ्रेंड्स आपको खाना और बनाना दोनों ही पसंद है तो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ सूजी कटलेट की रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमने ऑयल गर्म कर लिया है और उसमें हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है साबुत धनिया, और उसके बाद हमने ऐड कर दिया है चॉप्ड जिंजर, और दोनों को हम अच्छे से थोड़ी देर तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें चॉप्ड अनियंस। उसे अच्छे से हमें छोटे छोटे स्लाइसेस में हमें काट लेना है, और उसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से जिंजर और कोरिएंडर जो हमने पहले ऐड किया था। उसके बाद हम ऐड कर देंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज, और सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हम बनाने जा रहे हैं आज रवा कटलेट, या आप जो भी बोल लीजिए सूजी कटलेट। तो ये तो हम बना रहे हैं फ्रेंड्स। आपको इवनिंग स्नैक्स में आप क्या क्या खाते हैं या आपको क्या पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मुझे बहुत जानकर खुशी होगी आपके फेवरेट डिशेस के बारे में। और फ्रेंड्स, और एक बात कि आप मेरी वीडियोस कहां से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, या इंडिया के बाहर से भी अगर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और यहाँ हमने ऐड कर दिया है कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसे अच्छे से हम सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ हम धीरे धीरे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि स्पाइसेस जो जले नहीं उससे स्मेल ना आए जला हुआ। तो हमें अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमें इसमें ऐड कर देना है रेड चिली पाउडर, उसे भी हम ऐड कर देंगे, और उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, और अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से सोते होने के बाद हम ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। हमने यहाँ 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ, और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब ये देखिए हमारा मसाला एकदम तैयार है। तो इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे जो हमारे मटर हमने ऑलरेडी छील के रखे हुए थे, उसे हम ऐड कर देंगे, और अच्छे से सारे मसालों के साथ हम उसे मिक्स कर देंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से मटर के साथ मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मुझे मटर से बने हुए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मटर से बना हुआ कोई भी डिश खाना। आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से ऐसे ही सौते करते रहेंगे, और अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, देखिए अब मटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, और अच्छे से हम उसे मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखिए हमारा मटर तैयार है। तो इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा गरम मसाला और मैगी मसाला हम ऐड कर देंगे, और उसे अच्छे से सारे मटर के साथ हम मिक्स कर लेंगे। उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फ्रेंड्स, आप मैगी मसाला मैजिक डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, आप उसे ज़रूर ऐड कीजिएगा।
फ्रेंड्स हमें ऐसे ही चलाते रहना है ताकि मटर नीचे से जले ना, वरना आपको जला हुआ टेस्ट आएगा और जला हुआ टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी भी डिश में। तो आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए अब हम इसे गार्निश कर देंगे कुछ चॉप्ड कोरिएंडर से, और उसे भी अच्छे से सारे मसालों के साथ हम ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हमें फ्रेंड्स इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। और ये हमने ले लिया है दही, इसे हम बैटर में यूज़ करेंगे। ये हमने एक बॉल ले लिया है, उसमें हम 2 कप्स सूजी हम ले लेंगे, उसे हम डाल देंगे। और उसके बाद हम जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो थोड़े से फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे। इसमें हमने यहाँ ऐड कर दिया है पिंच ऑफ टर्मरिक, थोड़ा सा हमने कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने ऐड कर दिया है गरम मसाला, उसके बाद हम थोड़ा ऐड कर देंगे जीरा पाउडर, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। यह हमने ऐड कर दिया है रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे सॉल्ट। यहाँ हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि हम जो फिलिंग डालने वाले हैं मटर के उसमें भी पहले से सॉल्ट होगा। उसके बाद जो हमने दही लिया था वो ऐड कर देंगे। यहाँ हमने 2.5 टेबल स्पून ऑफ कर्ड लिया है, और उसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे और पतला सा बैटर हमें बनाना है, तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस के साथ। यहाँ हमें थोड़ा सा वाटर कम लग रहा था तो हम वो भी ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे फिलिंग की तैयारी। इसमें हमने जो मटर के मिक्सचर को हमने लिया था उसे छोटे छोटे से बॉल बना के ऐसे देखिए कबाब शेप में आपको फ्लैट फ्लैट से आपको बना लेने हैं। तो इसी तरीके से हम सारे फिलिंग्स को हम शेप दे देंगे। और हो चुका है हमारा फिलिंग तैयार। अब एक पैन में हम रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ले लेंगे और उसके बाद अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो हमने रवा का बैटर रेडी किया था उसे हम स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद जो हमने टिक्की की तैयार की थी उसे हम डाल देंगे और उसे ऐसे अच्छे से ऊपर से कवर कर देंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद हमें इसे अच्छे से शेलो फ्राई होने देना है, और उसके बाद देखिए बीच बीच में चेक भी करते रहें, और उसके बाद हमें पलट पलट कर चेक कर लेना है। अच्छे से कुक होने के बाद हम उसे देखिए टर्न कर देंगे, और ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा क्रस्ट आ चुका है। और ये हो चुका है हमारा सूजी कटलेट, या फिर बोल लीजिए रवा कटलेट तैयार। खाने में बहुत ही टेस्टी था, आप भी ज़रूर बनाएं, अपने परिवार वालों को खिलाएं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।